खड़े रहना भी मुसीबत को घर बुलाना है। सोनू तो रो मत, हम जाके मम्मी जी को समझाते हैं। चुप चुप, कुछ नहीं हुआ। बैठ। मैं और सोनू जनरली बात कर रहे थे। एक्चुअली सोनू मेरे पास आई हो। सौ बात की एक बात है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन के परवरिश पर सवाल उठे हैं। चोट बहुत पुरानी थी लेकिन आज तुम्हारी वजह से ताजी हो गई। मेरी बहन तुम्हारे जैसी नहीं है। शी इज नॉट अ होम ब्रेकर, ओके? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी बहन से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें क्या जरूरत थी इसके साथ वो कॉन्वर्सेशन करने की। इस दुनिया में मैं बस एक चीज नहीं देख सकता हूँ, अपनी बहन को रोता हुआ सिर्फ एक चीज नहीं सुन सकता हूँ, अपनी माँ को लेके ताने। और आज तुम्हारी वजह से मैंने वो दोनों चीजें देख भी ली और सुन भी ली। इनकी माँ और परवरिश पर सवाल उठे तो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर सोनू इनसे सर छुपा क्यों रही है? I'm sorry. पर सोनू का घर तो यही है, तो यही से डोली उठनी चाहिए ना। अगर सोनू की शादी कहीं और से हुई तो मैं शादी को रोकूंगा कैसे? हम सबको तो आज लंच के लिए बाहर जाना था। और समन जी, हमारी इश्की ऐसी नहीं है। ओ बहन जी, आपकी इश्की कैसी भी हो लेकिन आज उसकी वजह से हमारी सोनू तो फंस गई ना। ये रिश्ता कब से तय था लेकिन कभी सरला जी ने बाबा जी को बुलाने की बात नहीं कही, लेकिन इश्की को देखते ही उन्होंने बाबा जी को बुलाने की बात कही थी। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी वजह इश्की है। कैसे बताऊं कि जो हुआ इश्की की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ। वो अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में बात कर रही थी। इश्की, प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट कर दी, अब फॉर गॉड सेक ये बताओ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। फायल, मैं और सोनू मुझे कोई एक्सक्यूज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। मयंक, मॉम प्लीज डोंट स्टॉप मी। पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए हम लोग इस घर से शादी कर रहे हैं। अहान ने, दादी ने हम लोगों पर कितना बड़ा फेवर किया है और उस फेवर के बदले में हमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से ना वी आर इन ए फिक्स। एक बार मेरी साइड तो सुन। तुम्हारी वजह से ना आज सोनू की इस घर में शादी नहीं हो रही है। तुम्हें अपनी साइड की पड़ी है, मुझे तुम्हारी साइड जानने में ना 0% इंटरेस्ट है, नन। बिना कहे मेरी बात समझना तो दूर, मयंक ने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। इश्की, मुझे बस इतना जानना है कि तुमने ये सारी बातें सोनू को क्यों बोली? इश्की, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो। पूछ तो मैं भी सकती थी लेकिन जो लड़की अपनी होने वाली सास को जवाब नहीं दे रही वो मुझे क्या जवाब देती? मैं तो बाहर वाली हूं, बहू तो वो तुम्हारी बनने वाली है। इश्की, मैं तुम्हारी चुप्पी को क्या समझूं कि तुम गलत हो? अभी सिर्फ इतना कह सकती हूँ आंटी जी कि मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी मांग रही हूँ, लेकिन मैं घर तोड़ने वाली लड़की नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। सॉरी मांगने तो दूर, मुझसे बात तक करने नहीं आया।
आज जो कुछ हुआ उसे अंडू करना पड़ेगा। अगर सोनू की शादी कहीं और से हुई तो मैं उसकी शादी नहीं तोड़ पाऊंगा। सोम करके ना से ऐसे ही से मेरी ओर देखो तो सही। हेलो, व्हाट आर यू सीरियस? आंटी जी, मैंने जो आपसे वादा किया था उसे पूरा करने के लिए आया हूं। मासी, अगर आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी आपकी चौखट पर आऊं तो मेरी एक शर्त। सरला आंटी सब कुछ बुला देने के लिए तैयार है, पर इश्की को मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। चली जाना इश्की, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। तेरे मासा जी की तरह हाथ तो नहीं उठाता, चिल्लाता नहीं। इश्की वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब घर गृहस्थी में हर बार वो तेरी साइड तो नहीं ले सकता ना। प्लीज एक बार की बात है इश्की, मेरी बात मान जा, वरना इस बार फिर मेरी परवरिश पे सवाल उठेंगे। प्लीज प्लीज मेरे लिए चली जा। इश्की प्लीज वन मिनट। राज तू बीच में मत पड़। इश्की कुछ कहने आई है? जी आंटी जी, गलती तो हुई है पर मुझसे हुई है। उस गलती की सजा अब सोनू और उसकी फैमिली को मत दीजिए प्लीज। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आहान, ये क्या कर रहा है आहान? सोनू आपकी बहू है और आप उससे नाराज हो, ये बात मेरी और आपकी फैमिली के बीच की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो मैं मांगूंगा। आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज मेरी बहन को एक और चांस दे दीजिए। हाँ भैया, ये आप क्या कर रही हैं मॉम? बेटा बड़ों के पांव तो रिस्पेक्ट के लिए छूते हैं ना। अगर पांव छूने के साथ साथ माफी मांगी जा रही हो तो बात किसी बड़े की रिस्पेक्ट की नहीं, किसी बड़े की ईगो की होती है, एंड इन दिस केस आपके ईगो की है। राज मॉम प्लीज, आई डोंट नो कि आप आहान भैया से पांव टच करवा के क्या साबित करना चाहती हैं। वैसे तो आप हर रोज सोनू के संस्कारों के बारे में बात करती रहती है, इश्की के संस्कारों के बारे में बात करके ताने मारती रहती है, बट व्हाट अबाउट आवर संस्कार मॉम? हमारे संस्कारों का क्या? हम किस टाइप के लोग हैं मॉम जो अपने ही इन लॉज को पाँव में झुकता हुआ देखकर आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है? इट्स ओके राज, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, और वैसे भी अगर पाँव छूकर कोई बात को खत्म किया जा सकता है तो लेट इट बी। आंटी कल दोनों कपल की मेहंदी है, प्लीज मेहंदी को और शादी के आगे फंक्शंस को प्लीज साथ में होने दीजिए ना, प्लीज आंटी। हाँ हाँ बेटा हाँ।
एंड यू मयंक, तुम इश्की को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर फियांसे? राज, वो व्हाट? राज, सोनू की विदाई कहीं और से होती तो सोनू को, उसकी फैमिली को बहुत बुरा लगता, और मयंक सोनू की फैमिली के बहुत क्लोज है, इसलिए वो मुझे यहाँ सॉरी बुलवाकर बात खत्म करने के लिए लाया। हाँ, एग्जैक्टली यही बात है राज। नो 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 इश्की, यू आर जस्ट कवरिंग अप फॉर मयंक। नहीं राज, सच तो ये है कि गलती मुझसे हुई है, और मैं अपनी गलती की सजा किसी और को मिलते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो भी सोनू जैसी प्यारी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इंडियन लड़कियों को ना, लड़कों को डेट पे ले जाने से पहले उनकी मॉम को एक डेट पे ले जाना चाहिए। मैं अपना पॉइंट थोड़ा संस्कारी लैंग्वेज में रखता हूँ। इंडियन शादियों में लड़का लड़की की कुंडली मिलाने से पहले लड़की और लड़के की मॉम की कुंडली मिलानी चाहिए। I mean, हमारे कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता तो सास बहू का ही है, लाइक सोनू एंड सल्ला आंटी, एक वही तो रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ तो सेकेंडरी है। I can't believe I'm saying this, but पहली बार मुझे तेरी बात ना इतनी पॉइंटलेस नहीं लगी। I also can't believe that I'm saying this, पर आज आप इश्की को लेके इतने भी सेंसलेस नहीं थे। आज भाई ने इश्की को डिफेंड किया। तू उस लड़की से ऑब्सेस्ड है क्या? मैं उस लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ। और नहीं तो क्या? मैं वहाँ पे सोनू का नाम क्लियर करने गया था, वो लड़की कहाँ से आ गई? वहीं से जहाँ से वो आपकी हर बात में आ जाती है। वो इश्की को कॉल कर रही हूँ, उस दिन के बाद से बात नहीं हुई ना, सॉरी तो बोल सकती हूँ। किसे फोन कर रही है? वो दादी, मैं ना वो कार्तिक, मैं किसे कॉल कर रही थी, मैं भूल गई। मुझे याद है। भाई ये किसे कॉल कर रही थी? हाँ वो ये सब सुन के तो मुझे लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, पक्का यकीन हो रहा है कि सुमन जी की होने वाली बहू कोई कर रही थी। दादी आपका इस एज में भी दिमाग कितना तेज चलता है। सो कूल। चुप। सो कूल का बच्चा खुद था कहीं का। अर्सुन फोन रख रख। सरला जी को अगर पता चला ना तो अचार डाल देंगे तेरा। सॉरी दादी। दादी सरला आंटी को ना कुछ पता चला है ना पता चलेगा, पर क्या? पर दादी गलती तो सोनू की थी ना, और अगर ये उस लड़की से बात करना चाहती तो इसमें गलत क्या है? अच्छा बातें तो होती रहेंगी, पहले मुझे ये बताओ कि अहान तू इसी का नाम क्यों नहीं लेता? मैंने ये नोट किया है कि तू हमेशा ये उस लड़की मयंक की फियांसे ये सब क्यों कहता तू उसे? वो भी इनका नाम नहीं लेती, AVM 3-in-1 यही सब कहती रहती है। अरे यही इनकी केमिस्ट्री है। ए कार्तिक चुप, हमारे बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो फिर क्या है हमारे बीच में? वो कुछ नहीं है। सोनू और राज के बीच बहुत कुछ है, रिश्ता है, फ्यूचर है। तुम सबकी यही सब हरकतें चलती रही ना तो सरला जी को पता चल जाएगा, ना रिश्ता बचेगा और ना फ्यूचर बचेगा। दादी सरला आंटी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दूंगा, I promise। तो सोनू को इश्की को फोन करने से क्यों नहीं रोका? मम्मी जी बात कर लेने दीजिए ना, वो कौन सा फोन टैप कर लेंगी? दीवारों के भी कान होते हैं, जब तक बात मन में रहती है तब तक सीक्रेट रहता है, बात बोलना मतलब खोलना। पर दादी गलती सिर्फ उस लड़की की नहीं थी, एटलीस्ट सिर्फ उस लड़की की नहीं थी। अच्छा किया तूने माफी मांग ली, इश्की को बचा लिया। मैंने जो किया सोनू के लिए किया। हाँ सोनू के लिए भी और उस लड़की के लिए भी। तुम दोनों का बस चले ना तो अभी जाके सरला जी को सब बता दादी। दादी
हम उस लड़की पर सारा ब्लेम डालकर अपनी सोनू को बचा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये गलत है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा एक काम कर, एक बड़ा सा बोर्ड ले, उस पे बड़ा बड़ा लिख कि गलती सोनू की है, इसने शुरू किया था, और जाके सरला जी के घर के सामने टांग दे, ठीक है? खोते हो, पता भी है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ कि गलती हमेशा लड़की की होती है, सोनू और राज दोनों घर से बाहर मूव होना चाहते हैं, लेकिन गलती सोनू की ही मानी जाएगी, क्यों दादी? समाज के नियम मैंने छत पे बैठ के अकेले बनाए, इसके लिए तू बार बार आके मुझसे पूछता है दादी ये क्या, दादी वो क्या? माँ प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए ना, ये एक और बियर पीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। चुप कर, मैं यहाँ बियर पीने आई हूँ। मेरे कमरे में भिजवा देना 2-3 बियर। भाई बैट लगा रहे हो? किस बात की? कल मेहंदी है, कल सरला आंटी ने यहाँ तमाशा करेंगी या नहीं बताओ। That's so true. जब वो चने की खेत वाले गाने पे मैं डांस करती हूँ ना, तो डिट्टो माधुरी लगती हूँ। कितनी मॉडेस्ट है आप आंटी। हाँ पर कभी घमंड नहीं किया। सुनिए आप इनकी मेहंदी कीजिए। चले ना जोर इश्क पे, बाल बच गए, रायता फैलते फैलते रह गया। रब दा शुक्र है पुत्र जी। लेकिन मैं मुझे लगता है यहाँ से गया हुआ रायता अब डांस फ्लोर पर फैलेगा। सियाप्पा, हाय माता रानी, माता रानी, माता रानी। मम्मी चलो डांस करते चलो। अरे नहीं 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 ना, तुम लड़के लोग ही जाके आज सरला जी के साथ डांस करो यार। अरे हम लड़कियों का भी तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए कि नहीं? ओहान तू क्या यहां घुसे जा रहे, जाओ जाओ जाके डांस करो। किया तो सही। अरे जाके डांस कर ले वरना फिर मैच शुरू हो गया ना तो फिर। नहीं 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 बस 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 बस, देखा ये सब झेलना पड़ेगा, ये तो हद हो गई, बॉयज हमारे लिए डांस भी नहीं कर सकते। Let's do it. सीने में रह के भी ये धोखा देता है, दिल से बड़ा कोई बेईमान नहीं। तुमसे मिलाया था मेहमान बनाया था, अब बोले मालिक है मेहमान नहीं। सोए अरमान जगे क्यों, अपना ही दिल ठगे क्यों, हर पल सितम नया। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है। उसे मत देख इश्की, और ज़ूम करके तो बिल्कुल ही मत देख। स्टॉप 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 स्टॉप। दीदी दूल्हे का नाम क्या है? हाँ तेरी शादी मयंक से हो रही है, मयंक के बारे में सोच। ऐसे कौन से रोडों पे मेट्रो चलानी है, मयंक के बारे में ही तो सोचना है, सोच ले। पहले ईवीएम तो दिमाग से निकले। आप करवा लीजिए, मेरा हो गया। नहीं भी हुई होती तो भी उठना ही था, वरना आप tamasha.com पे लॉगिन करती थी।
मॉम, आपने सोनू की मेहंदी देखी क्या? नहीं देखी ना? वो देखिए, कितनी सुंदर मेहंदी लगी। आओ आओ वहाँ चलो के देखो। अरे देखने खाने का टाइम नहीं है, मुझे मेहंदी लगवानी है, वरना पता चला तेरी मैरिज हो गई और मेरी हथेलियाँ ऐसी है ब्लैंक। आंटी जी वैसे भी मेरी मेहंदी हो गई है, दिखा इसे लगाइए ना, इसे बेटर मुझे लगाना, मैं दूल्हे की मॉम हूँ। बिल्कुल सही बात, सरला जी की मेहंदी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। इश्की बेटा आओ मेरे साथ। मयंक हट सामने से, मुझे सोनू की मेहंदी देखनी। तू बैठ इधर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ मौसी सही कहती है, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे सुमन आंटी जैसी सास मिल रही है। पर जो काम आंटी कर रही है वो तो मयंक को करना चाहिए ना, पर वो तो मुझसे बात तक करने नहीं आया। ये ले गुलाब जामुन खा। अच्छा है, जिसके नाम की मेहंदी लगवाई है वो कहाँ है? पता नहीं मयंक कहाँ है। रुक मैं ढूंढ के लाती हूँ, ले खा। मैं आती हूँ। हाँ हाथ पे नाम लिखवाने से रोमांस थोड़ी ना हो जाता है, रोमांस के लिए वो इंसान भी तो होना चाहिए जिसका नाम लिखा है। लो अब मेरी एक्स नौकरानी का फोटो सेशन मुझसे पहले होगा, हर बार ये मेरी इम्पोर्टेंस कम कर देती है। दिखा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है आंटी जी, आप फोटो खिंचाइए ना जाके। अरे मेरे फोटो सेशन की सारी अटेंशन तो तेरी इस चोट ने ले ली। हाँ अब मैं क्या करवाऊँ फोटो सेशन? अरे देखे तो सही, ऐसे कौन सी तलवार लगे तुझे? दिखा आंटी जी। सरला जी इसलिए इश्की इतनी डिस्टर्ब थी, इसे पता था कि इसके हाथ पे मेरा नाम है। ये आहान का नाम तेरे हाथ पे कैसे आया? बोल तेरे हाथ पे आहान का नाम कैसे आया, जवाब दे। बता इश्की आप क्या मुंह में गुलाब जामुन भर के बैठी है? एक पराए बॉय का नाम तेरे हाथ पे कैसे आया बता? आंटी यो इट्स अ मिस्टेक, आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक आंटी। इट्स अ मिस्टेक? इश्की की मिस्टेक? अपने होने वाले दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड का नाम अपने हाथ पे लिखवाना, इट्स अ मिस्टेक? वाओ लोग तो थाली लोटा परात पर भी गलत नाम नहीं लिखवाते, और तूने अपने हाथ पर गलत नाम लिखवा लिया और तुझे पता भी नहीं चला। हाँ जी वैसे समझ तो नहीं आया, मतलब मिलते जुलते नाम भी नहीं है ना, राम श्याम टाइप हो तो कंफ्यूजन हो भी सकता है ना जी। ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है, मयंक और आहान के नाम में कोई कैसे कंफ्यूज हो सकता है? अपने होने वाले पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही? आंटी प्लीज बी केयरफुल, आप कुछ ऐसा ना कह जाए कि बाद में सबसे ज्यादा एंबैरस आपको ही होना पड़े। आई एम श्योर कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई होगी। मिंकी भाई से समथिंग ना। केयरलेसनेस की भी हद है, अपना हाथ अपनी मेहंदी नहीं संभाल सकी तो अपना घर क्या संभालेगी, और ऐसे सब मिस्टेक्स इसी लड़की के साथ क्यों हो जाती है? हमारे साथ तो नहीं होती, हमने भी मेहंदी लगवाई थी, हमारे हाथ पे तो किसी रमेश सुरेश का नाम नहीं लिखा गया था, उसी का नाम लिखा गया था और उसी के साथ हमारी शादी हुई थी, तो इनके हाथ में कैसे लिख गया किसी और का नाम? सरला जी मेहंदी वालियों को तो आपने ही रिकमेंड किया था ना, अब देखो ना कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। सुमन जी इसमें गलती तो मेहंदी वाली से हुई है,
इसमें सरला जी की कहां से गलती? सेम लॉजिक, ऐसे इश्की की भी कोई गलती नहीं हुई ना। लो जी, मेहंदी वाली का नाम रेकमेंड करके मैंने पाप कर दिया। ये तो ऐसा हो गया कि भलाई करने जाओ और बुरे बन जाओ। आंटी जी, मैंने दीदी से पूछा भी था कि अपने होने वाले हस्बैंड का नाम बताइए, उन्होंने आहान बताया था। इश्की, मैंने एवीएम का नाम सच में लिया क्या? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने आप लोग का आईक्यू सच में नेगेटिव में है। आप लोग को क्या सच में लगता है कि इश्की के मुंह से भाई का नाम निकला होगा? नहीं, एवरीवन सबको पता है कि भाई और इश्की की क्या इक्वेशन है। इश्की कांट स्टैंड भाई, भाई पसंद ही नहीं उसको। अगर उसको नाम लेना ही होता तो वो काला चोर का नाम ले लेती, लेकिन भाई का नाम नेवर। क्यों मम्मी? एक्चुअली ना, कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन दोनों का तो ईंट कुत्ते का पैर है। देखिए, आप लोगों से गलती हो गई तो प्लीज बता दीजिए ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भैया, एक्चुअली हमसे ही गलती हुई है। इतनी भीड़, इतना शोर था कि किसी ने भैया का नाम लिया और मैंने गलती से उनका नाम लिख दिया। सॉरी। अब इतना लाउड म्यूजिक हो तो कंफ्यूजन तो हो ही जाती है ना। अब हमारी इश्की इतनी स्टुपिड थोड़ी ना है जो आहान का नाम लेगी। देखो जी, 100 बात की एक बात, मुझे तो मामला ना थोड़ा फिशी लगता है। मेहंदी का डे इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज के दिन जिस किसी का भी नाम हाथ पे लिख जाता है ना, तो रिश्ता उसी से बन के रहता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.